हेलो गाइस, आई एम अ पेट लवर। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैंने शिज़ू डॉग्स रखे हुए हैं। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती थी डॉग्स की रिलेटेड, फिर मुझे कॉल्स वगैरह भी आते थे। मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ उसे जाकर फॉलो कीजिए। मुझे बहुत सारे कॉल्स वगैरह भी आते थे डॉग्स के क्वेरीज को के रिलेटेड, सो फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू करूं। मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूं कि शिज़ू को बीमार होने से कैसे बचाएं। जब हम डॉग को बाय करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने डॉग के मदर फादर को चेक करना चाहिए कि वो किस ब्रीड को बिलोंग करते हैं, और फिर उसके बाद हमें अपने डॉग को किसी अच्छे वेट से उसका चेकअप करवाना चाहिए कि हमें ये पता चल सके कि हमारे डॉग को कोई काइंड ऑफ डिज़ीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद जब हम अपने डॉग को अपने घर लेकर आते हैं तो जब तक हमारे डॉग की फुल वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हमें उसे अपनी गैलरी तक में भी बाहर नहीं लेकर जाना है। हमें उसे अपने घर के अंदर रखना है, क्योंकि उस टाइम पे होता है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक डॉग का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो उसके इन्फेक्शन को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम अपने डॉग को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना लेके जाएं, और अगर हमारे घर पे कोई पेट आता है तो हमें उसको अपने डॉग को उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पे कोई डॉग या किसी भी तरीके का कोई पेट आपका रिलेटिव लेकर आता है तो हमें अपने डॉग से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि अगर उस पेट को कोई इन्फेक्शन हुई तो हमारा डॉग जो है वो बीमार हो सकता है, क्योंकि अभी उसकी वैक्सीनेशन कम्प्लीटेड नहीं है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। मदर फीडिंग के बाद हमें अपने पपी को 2 मंथ्स तक होल व्हीट का नेस्ले सेरेलैक देना है, दिन में 4 बार 1-1 स्पून वार्म वाटर में मैश करके। जब हमारा पपी थोड़ा बड़ा हो जाए फिर हमें उसे सेरेलैक में 1/2 चपाती मैश करके देना स्टार्ट कर देना चाहिए, और डॉग फूड हो सके जितना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉग फूड के केस में क्या होता है कि डॉग फूड आता है बाहर से पैक होके इंडिया में, तो हमें अपने डॉग फूड की ऑथेंटिसिटी की हमें उस चीज़ का नहीं पता है कि हमारा डॉग फूड कितना ऑथेंटिक है। और जब तक हमारा डॉग अपने डॉग फूड की ऑथेंटिसिटी बताएगा तब तक उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। फॉर इन केस हम जैसे जिम वगैरह, अगर आप लोग जिमिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा कि हम जैसे सप्लीमेंट वगैरह कई बार लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी ऑथेंटिसिटी का हमें पता लग जाता है, लेकिन डॉग्स तो नहीं बता सकते ना इस चीज़ को। इसीलिए हमें डॉग फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि हम अपने घर का फूड प्रेफर करें, अपने पपी को देने के लिए हम अपने घर का फूड प्रेफर करें, ताकि उससे हमारी डॉग की हेल्थ अच्छी हो जाए और उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाए। हम उसे खाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, बॉइल्ड मैश चिकन दे सकते हैं, बॉइल्ड एग्स दे सकते हैं, बिना येलो पार्ट के देना है, और फ्रूट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अब अपने डॉग की क्लीनिंग कैसे करनी है। सो गाइस, हमें उसके लिए पहले तो अपने डॉग को 6 मंथ्स तक नहलाना नहीं है, ताकि वो बीमार ना हो। आजकल मार्केट में डॉग वाइप्स आते हैं ना, हमें उनका यूज़ करना है। हमें उनसे अच्छे से अपने डॉग्स के एयर्स को क्लीन करना है। जब हमारा डॉग मील को कंज्यूम करे फिर उसके बाद हमें उसका फेस अच्छे से साफ़ करना है, हमें उसकी आइज़ को प्रॉपरली क्लीन करना है, और हमें उसकी ब्रशिंग करनी है दिन में 2 बार करनी है। जिनको टाइम की शॉर्टेज है वो दिन में 1 बार भी क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी में करनी है अपने डॉग की क्लीनिंग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में 1 बार भी करोगे तो चलेगा, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो। और एक और चीज़, जब तक हमारा डॉग फुली वैक्सीनेटेड नहीं होता तब तक हमें उसे किसी तरीके का टॉय भी नहीं देना। किसी तरीके के टॉय के साथ हमें उसको कोई भी टॉय खेलने के लिए नहीं देना, क्योंकि वो भी उसके इन्फेक्शन को कैच करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, तो हमें वो चीज़ भी अवॉइड करनी है, ध्यान रखना। थर्ड स्टेप आता है डॉग की, हमें प्रॉपर डीवॉर्मिंग करनी चाहिए। जो हम बच्चों को कैल्शियम देते हैं हमें वही डॉग्स को, अपने पपी को देना है, जिससे हमारा डॉग हेल्दी रहेगा और हैप्पी रहेगा ऑब्वियसली। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं ऐसे ही डॉग के रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस डालती रहूँगी पेट्स के रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।